इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। खवातीन और अल्पसंख्यकों की मखसूस नशस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के ऐलामिये के मुताबिक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपील दायर करने की तारीख 16 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे। 23 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। जनरल नशस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। आम इंतखाबात की तैयारी मरहलावार जारी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन दफातर में गहमा गहमी। बानी पीटीआई और बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराजात का फैसला होना बाकी। पीटीआई के अलावा मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटी भी हो गई। बिलावल भुट्टो के एन ने 127 से कागजात पर आयत एतराजात पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के कानूनी मुशीर इफ्तिखार शाहिद ने एतराज पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बिलावल भुट्टो के कोरिंग उम्मीदवार चौधरी असलम गिल के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल बनने से माजरत कर ली। दोनों जजेस को रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ फैसलों पर अपीलों के फैसले करना थे। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात, जस्टिस फारूक हैदर जस्टिस फैसल जमान खान की जगह पर समाअत करेंगे। सर्दियों में तवानाई के बहरान से आवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग जारी। गैस के कम प्रेशर और बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी। कई कई घंटे बिजली भी गायब। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मामूलात जिंदगी चलाने के लिए मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर। शदीद सर्दी के सबब स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का इम्कान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में एक हफ्ता तौसी करने पर गौर। लाहौर समेत पंजाब के स्कूलों को 18 दिसंबर को छुट्टियां की गई थी। सर्दी और धुंध की वजह से वालिदैन का छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं 7 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई जाए। प्राइवेट स्कूलों को भी छुट्टियों का पाबंद बनाया जाए। एक 1000 उस्ताज़ा के तबादले दवा का शिकार। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से पहले उस्ताज़ा के तकरर तबादले ना करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्रमोट होने वाले उस्ताज़ा को एडजस्ट करने की इजाजत मांगी थी।